मृत्यु का भय। एक व्यक्ति चाहकर भी अपने दुर्गुणों पर काबू नहीं पा रहा था। एक बार उसके गांव में संत फरीद आए। उसने उनसे अपनी परेशानी बताई। फरीद ने कहा, दृढ़ संकल्प से ही दुर्गुण छूटते हैं। यदि तुम इच्छा शक्ति मजबूत कर लोगे तो तुम्हें अपने दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। वह व्यक्ति प्रयास करके थक गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह फिर फरीद के पास गया। फरीद ने पहले उसके माथे की रेखाएं देखने का नाटक किया, फिर बोले, अरे तुम्हारी जिंदगी के 40 दिन ही शेष हैं। अगर इन बचे हुए दिनों में तुमने दुर्गुण त्याग दिए तो तुम्हें सदगति मिल जाएगी। यह सुनकर वह आदमी परेशान हो गया। वह किसी तरह घर पहुंचा और व्यसनों की बात तो दूर, खाना पीना तक भूल गया। वह हर पल ईश्वर को याद करता रहा। उसने गलत कार्य नहीं किया। 40 दिन बीतने पर वह फरीद के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, इतने दिनों में तुमने कितने गलत कार्य किए? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं क्या करता, मैं तो हर पल ईश्वर को याद करता रहा। संत फरीद मुस्कुराते हुए बोले, जाओ बेटा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम अच्छे इंसान बन गए हो। जो व्यक्ति हर समय मृत्यु को ध्यान रखकर जीवन यापन करता है, वह भला इंसान बन जाता है। एक फकीर ने अपना अंत समय देखकर अपने शिष्यों से कहा, मेरे पास जो भी धन संपत्ति है उसे मैं सबसे गरीब व्यक्ति को दूंगा। अगले दिन उसकी कुटिया के आगे निर्धनों की भीड़ लग गई, पर फकीर ने उन्हें कुछ नहीं दिया। तभी उधर से अपने रथ पर एक राजा निकला। फकीर ने धन की थैली उसकी ओर फेंक दी। राजा ने हंसकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तो यहाँ का राजा हूँ। फकीर बोला, तुम्हारे पास अपार धन दौलत है पर संतोष नहीं। तुम लालची हो, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गरीब मानता हूँ। राजा शर्मिंदा हो गया और उस दिन से प्रजा की भलाई में जुट गया।